बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हतीक सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल बिरयानी, आलू बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, मटरों आलू वाले चावल। कैसे बनाए जाते हैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 किलो मैंने चावल लिए थे, चावल को भिगो दिया है, 20 मिनट तो हो गए हैं। बासमती राइस है हमारे, 2 अदद आलू लिए मैंने, थोड़ा सा अदरक लिया, उसको टुकड़े टुकड़े काट लिए, 3 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1 लहसुन लिया, 6 से 7 अदद हरी मिर्ची को काट लिया, 2 अदद टमाटर काट लिए, 2 अदद प्याज काट लिए, मटर लिए थोड़े से, 1 चम्मच आधा चम्मच मैंने दादर की हुई लाल मिर्ची ली, 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया, 3 चम्मच दादर किया हुआ सूखा धनिया लिया, तेज़पत्ता लिया 1, उसको 2 टुकड़े कर दिए, दालचीनी, लाची, लौंग, काली मिर्ची और भरी इलायची थोड़े थोड़े टुकड़े लिए, नमक लिया 1 चम्मच, 1 से 1/2 चम्मच। चलिए अब बनाते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ। अब पतीले में डालेंगे कुकिंग ऑयल हसबे ज़रूरत, जितना आपको चाहिए, मैंने 1 कप डाला। कुकिंग ऑयल गर्म होने तक वेट करते हैं। देखिए 1 कप मैंने डाला जी। हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, ज़ीरा में बताना भूल गया था, 1 चम्मच ज़ीरा लिया मैंने, ज़ीरा डाला और खड़ा मसाला डाला, दालचीनी, लौंग, इलायची। अब डालेंगे प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज को डाल के अच्छे से प्याज की भुनाई करूँगा, थोड़ा सा ब्राउन करूँगा जी। दोस्तों प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से भुनाई करूँगा लहसुन अदरक पेस्ट की। दोस्तों अब डालेंगे तेज़पत्ता। दोस्तों प्याज हमारा सुनहरी हो गया है माशाल्लाह, अब डालेंगे टमाटर, बिस्मिल्लाह। टमाटर के साथ ही हरी मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे जी। दोस्तों टमाटर भी हमारे मेल्ट होना शुरू हो गए, अब डालेंगे मटर, मटर की भी भुनाई करेंगे। अब दोस्तों डालेंगे अदरक जी, अब डालेंगे नमक, हल्दी, दादर मिर्च, मसाला, सूखा धनिया, अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। डालेंगे लहसुन जी। दोस्तों मसाले की अच्छे से भुनाई होगी, अब डालेंगे आलू, आलू मैंने काट लिए थे जी। दोस्तों चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, ठीक है, हमारे चावल भी खिल गए माशाल्लाह, देख सकते हैं आप, ठीक है। आधा घंटा मैंने इसको पानी में भिगोया था, ठीक है। अब डालेंगे चावल, बिस्मिल्लाह, चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में जी। दोस्तों मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए चावल को, आप देख सकते हैं। एक किलो हमारे चावल थे, ठीक है, और 1.5 किलो हम पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि चावल को हमने आधा घंटा भिगो के रखा था, इसलिए चावल पे इतना पानी, 2 किलो पानी नहीं जाएगा, इसलिए 1.5 किलो पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों आँच मैंने फुल तेज़ कर दी है, आग फुल तेज़ है, ठीक है, और अभी उबाला आने के तक वेट करते हैं, तब तक मैं रायता बना लेता हूँ जी। दोस्तों अब डालेंगे दही, बिस्मिल्लाह।
अब डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च, अब डालेंगे एक कटा हुआ प्याज छोटा, अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई, बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा नमक, बिस्मिल्लाह, और अच्छे से मिक्स करेंगे। जी दोस्तों, रायता हमारा तैयार है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा। जी दोस्तों, पानी हमारा सूख गया है, आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। इतना पानी जब हो, जब आपके चम्मच से पता चलेगा कितना पानी नीचे है, ठीक है, और आप इसको दम पे लगा दो, ठीक है। और अब मैं दम पे लगाने लगा हूँ। जी दोस्तों, मैंने दम लगा दिया है, बिल्कुल आँच हमारी हल्की है, ठीक है, दम वाली आँच है, ठीक है। और 15 मिनट के लिए मैं दम पे लगाऊंगा, उसके बाद डिश आउट करते हैं चावल को। बिस्मिल्लाह, 15 मिनट हो गए, दम हमने उतार लिया, देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह, और आपको चावल भी दिखाता हूँ, माशाल्लाह खिला खिला है, आप देख सकते हैं, एक एक चावल लदा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल बिरयानी कैसी बनी है, आलू मटरों के चावल कैसे बने हैं, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने हैं। लहसुन भी हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं, आप इस रूट लहसुन को ऐसे दम पे एक दफ़ा रख के देख लेना, बहुत ही अच्छा बनता है। रायता भी हमारा माशाल्लाह। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखना, और बहुत ज़्यादा वीडियो देखो मेरी, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, ओके, अल्लाह हाफिज़। सलाद भी हमारी रेडी है।